Hello, my two family. Welcome to my channel, Miami Creations. Hope you're well today. My name is Ikra. I bring today's recipe, very easy and delicious chicken patties, that is kids and big one both's favorite. Easy to make and budget friendly. So without any time waits, let's make it. यहाँ पे लूंगी 1 टेबलस्पून बटर, साथ ही डाल दूंगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, 1 टीस्पून की गार्लिक पेस्ट, और यहाँ पे मैंने जो लिया था 300 ग्राम बोनलेस चिकन मैं वो डाल दूंगी इसमें। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा फिर हम इसमें डालेंगे अपने लिक्विड स्पाइसेस, 1 टेबलस्पून केचप एंड 1 टेबलस्पून सोया सॉस, ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून सिराचा सॉस, चिली सॉस। थोड़ा सा पानी ऐड करें ताकि चिकन सॉफ्ट हो जाए, और जैसे पानी ड्राई हो ग्रीन चिली चॉप करके डाल देंगे, 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर को 1/4 कप मिल्क में डिजोल्व कर लिया है और ये अब इसमें जाएगा। फौरन से इसको मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर क्रश, और यहाँ पे मैं डालूंगी चीज, मोजरेला चीज, और इसको मिक्स करेंगे। कलर और खुशबू के लिए थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर फ्रेश ऐड कर देंगे और फिलिंग को अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब जैसा कि ये मेरा प्रिपेयर्ड मिक्सचर चिकन का ठंडा हो चुका है तो इसमें मैं ऑसेज ऐड करूंगी, क्योंकि बाद में ये ड्राई होने के बाद जब ये मेल्ट होगी चीज़ के साथ ये सॉसेज का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। सॉसेज की चॉइसेस आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। मेरे पास ये मेयोनीज है, केचप है और चिली सॉस है। आप कोई भी सॉस अपनी पसंद की, चिली गार्लिक, सिंपल गार्लिक सॉस या कॉकटेल सॉस, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ सबसे पहले केचप, इसके बाद मैं ले रही हूँ मेयोनीज, और अब जाएगी इसमें थोड़ी सी चिली सॉस। ऐड करेंगे ब्लैक पेपर क्रश्ड, थोड़ा सा सॉल्ट, अगर आपको कम या ज़्यादा लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो फिलिंग हमारी हो चुकी है, डन। सबसे पहले जो फोल्डिंग हैक है पफ पेस्ट्री शीट का, जिसके लिए मैंने ली है 1 पफ पेस्ट्री शीट, ये है मेरी मार्केट से बाय की हुई। इसको पर सबसे पहले मैंने कटर से, राउंड कटर, किसी भी राउंड कटर से आप इसे कट करें, या कोई बॉक्स का कोई भी लिड ले लें जो राउंड शेप में हो। इस तरह सारी कट कर ली है, उसके ऊपर चिकन की फिलिंग स्प्रेड कर दी, बहुत ज़्यादा ना हो ना ही बहुत कम हो। जिस तरह से मैं डाल उसे इसी तरह से आपको फॉलो करना है, और सेकेंड जो उसका जो लेयर होगी वो उसके ऊपर रखते स्टैकिंग करते जाना है। मेक श्योर उसको हल्के हाथों से ऊपर से दबाना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना। अब एक छोटा सा उसी शेप में उससे छोटा एक राउंड आप उसके साथ शेप बनाएं, ये वाली कोई भी कटर ले लें, या भी यहाँ पे जैसे मैंने स्पून का यूज़ किया है आप वो भी कर सकते हैं, और हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, नहीं तो ये पफ अफ नहीं होगा और ना ही क्रस्ट राइज होगी। इसके बाद आपको एग योक या पूरा एग लेके उसको बीट करके इसके ऊपर ब्रशिंग करनी है। उसके बाद सेकंड जो फोल्डिंग हैक है वो इस तरह से है कि सिंपल आपने इस लेयर को सेंटर में मिट के स्प्रेड कर देना इवनली। उसके बाद इस तरह से कट्स लगा के साइड्स पे दोनों के ब्रेड की फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग कर देनी है, जैसे मैं अब करूँगी। दोनों साइड्स पे कट्स लगा लिए, सेंटर से इसके ऊपर रखा और साइड्स पे दोनों को एक दूसरे के ऊपर पैकिंग करते रहे, तो ये एक ब्रेड फॉर्म इसकी बनती जाएगी। होपफुली यू गेट माई पॉइंट। ये दोनों तरीके इसके बहुत आसान हैं और मज़े की इसकी फीलिंग होती है। आपको इसके ऊपर भी सेम पहले की तरह ब्रशिंग कर देनी है एग की, और उसके बाद स्प्रिंकल कर देना है सेसमी सीड्स और साथ में कलौंजी सीड्स।
अब आपको इसको अपनी पैकेट के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग प्री हीटेड ओवन में 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे 15 से 20 मिनट के लिए इसको बेक करना है। और मज़ेदार सी ये चिकन पैटीज राउंड पफ फॉर्म में और ब्रेड फॉर्म में तैयार है। So my dear ones, hope you like the recipe. If you like it, like and share my video and subscribe my channel. I will meet you in next video very soon. Till then, take care. Bye-bye.